मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर एक्शन में दिखे। शनिवार को उन्होंने प्रदेश के कानून व्यवस्था के हालातों पर मीटिंग की, पुलिस अफसरों को चेताया प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार को ध्वस्त कर दे, ड्रग्स या अवैध शराब बिकी तो एसपी जिम्मेदार होंगे, प्रदेश में कहीं भी हुक्का लाउंज न चले, इन्फॉर्मर को रिपोर्ट देने की स्कीम भी शुरू होगी। उन्होंने डीजीपी आईजी एसपी और कलेक्टर से कहा कि करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस है, अपने भी लोग छांट लें जो गड़बड़ कर रहे हैं। इंदौर में मुझे शिकायत मिली है किसी ने गलत काम किया तो उसे छोड़ा नहीं, जरूरत पड़ी तो ईओडब्ल्यू के छापे भी पड़ेंगे। शिवराज ने एक बार फिर दोहराया कि प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार को पूरी तरह ध्वस्त करना है। स्कूल कॉलेज के आसपास छोटी छोटी दुकानों पर ड्रग्स की शिकायत मिलती है, यह युवा पीढ़ी को खोखला करने का षड्यंत्र है, इसमें हमें युवा पीढ़ी को बचाना है, इसलिए इन्फॉर्मर एक्टिवेट करें। इन्हें संरक्षण देने वाले कौन हैं, इनके तार कहां जुड़े हैं, यह जानने के लिए इंटेलिजेंस का भी उपयोग करें। नशे के अवैध कारोबार को लेकर सीएम ने कहा कि पहले चरण में अभियान चलाए, एक से ज्यादा राज्यों से भी जो है तार जुड़े हो सकते हैं, दूसरे चरण में कार्यवाही के बाद भी किसी जिले में ड्रग्स या अवैध शराब की बिकवाली होगी तो सहन नहीं किया जाएगा। आरोपी पकड़े जाने पर एसपी थानेदार और ऊपर के अधिकारी जिम्मेदार होंगे, उन पर एक्शन लेंगे। हुक्का लाउंज कई तरह की ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो बच्चों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हुक्का लाउंज के नाम पर कुछ भी गड़बड़ हो ये हम होने नहीं देंगे।